के अड्डा ने इन 5 टीचर को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ दोस्तों, पीपा ने अपने रिसेंटली वीडियो में क्लेम किया है कि अड्डा ने 100 करोड़ सिर्फ इन 5 टीचर को खरीदने पर स्पेंड किए हैं, जो कि एक तरह से अनएथिकल भी है। दोस्तों अगर पंकज सर की माने तो पर टीचर को 5 करोड़ मिले थे, पर अगर इस एंगल से देखा जाए तो पर टीचर 20 करोड़ रुपए मिले हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से तो किसी टीचर का एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना कोई गलत बात नहीं है। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पीडब्ल्यू ने भी तो अपनी कक्षा और ई सरल के साथ ऐसा ही किया था, उन्होंने भी पैसे के दम पे उनके टीचर को खरीदे थे, और जब ऐसा पीडब्ल्यू के साथ हो रहा है तो उन्हें भी मिर्ची नहीं लगना चाहिए। दोस्तों जाहिर सी बात है, यहाँ पे एजुकेशन एक बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है, और मजे की बात यहाँ पे ये है कि पीडब्ल्यू में और अड्डा 247 में एक ही इन्वेस्टर का पैसा लगा है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट ब्रिज कैपिटल नाम की एक कंपनी है जिसने पीडब्ल्यू में $100 मिलियन इन्वेस्ट किया था, और अब वो अड्डा में $35 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों मेरी मानो तो इन टीचर्स की भी बहुत ज्यादा गलती है, क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो में कहीं नहीं बताया है कि ये अड्डा के द्वारा फंडेड है। ये हर जगह यही बोलते हैं कि संकल्प इन्होंने खुद के दम पर और खुद के रिस्क पर चालू किया है, पर दोस्तों रियलिटी में संकल्प जो चैनल है वो अड्डा का ही है, और इन टीचरों को इस बात को क्लियर भी करना चाहिए था। खैर दोस्तों, पर्सनली मैंने तरुण सर और एमटी सर दोनों से पढ़ा है, और दोनों एक सुपर्ब टीचर है, और अलग सर तो अपने प्यार है ही। तो हमें इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए और हमें क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। खैर दोस्तों, आपकी इस कंट्रोवर्सी में क्या राय है कमेंट करके जरूर